महाराष्ट्र के कोली समाज में अंग्रेजों और साहूकारों के कर का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसके विरोध में एक आवाज मुखर हुई थी, वह थी राघोजी भांगरे की, जिन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। 1818 में अंग्रेजों ने महाराष्ट्र में राज्य स्थापित किया। कोली समाज से किलों की सुरक्षा के अधिकार छीने, कृषि कर भी बढ़ाया गया। राघोजी भांगरे ने अपने पिता के बाद इस आंदोलन की बागडोर को संभाला। राघोजी ने पुलिस थाने की सारी बंदूक लूटी और माँ का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। 1827 तक आते आते उनका युवा संगठन मजबूत हो चुका था। ये संगठन साहूकारों से अनाज लूटता और गरीबों में बांट देता। गरीबों में चर्चित हो चुके राघोजी का 1845 में अंग्रेजों से सीधा युद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए। 2 मई 1848 को भले ही भारत माँ के सपूत को फांसी दे दी गई, लेकिन आज भी ये हमारी यादों में मौजूद है।